गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का थर्ड काइंड पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। इसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है, ले लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन that has been completed in the near past and near past time and its effect is in the present time. देखिए, हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस कार्य के बारे में बताता है दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द नियर पास्ट। यानी नियर पास्ट का मतलब हुआ माने अभी अभी तुरंत जो सब का जो काम समाप्त हो जाता है उसको। लेकिन एक घंटा पहले हो या दो घंटा पहले हो या आधा घंटा पहले हो या 15 मिनट पहले हो, यदि कोई काम कंप्लीट होता है तो वो नियर पास्ट में माना जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे ही एक्शन के बारे में, ऐसे ही कार्यों के बारे में बताता है जो कुछ देर पहले माने जस्ट नाउ यानी आधा घंटा पहले हो या आधा घंटा या एक घंटा दो घंटा पहले यदि कोई काम कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसको नियर पास्ट में हम मानते हैं। ठीक है, किंतु जो काम अभी अभी जो समाप्त हुआ है उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट टाइम में है। कोई काम जो अभी भी समाप्त हुआ है, अभी भी समाप्त यानी आधा घंटा एक घंटा दो घंटा पहले, किंतु उसका जो इफेक्ट है जो उसका प्रभाव है अभी वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल को द्वारा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल है आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने
आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है। अब देखिए, मैंने एक पत्र लिखा है, पत्र लिखने की क्रिया आगे आने वाले समय में नहीं होने वाली है, ठीक है, और पत्र लिखने का काम जो है अभी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब पत्र लिखने का काम अभी भी नहीं चल रहा है, पत्र लिखने का काम समाप्त हो चुका है। मैंने एक पत्र लिखा है, यानी पत्र लिखने का काम समाप्त हो चुका है, पत्र लिखा नहीं जा रहा है और न पत्र लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पत्र लिखने का काम जो है नियर पास्ट में, यानी कुछ देर पहले समाप्त हो गया है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी वर्तमान में है। तो जिस टेंस से इस प्रकार का आशय, इस प्रकार का अभिप्राय मालूम होता है, तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट भी है, उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी है, और परफेक्ट यानी पूर्ण भी हो गया है। कोई भी एक्शन या कोई भी काम पूर्ण भी हो गया है, परफेक्ट यानी पूर्ण भी हो गया है, और प्रेजेंट, और उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी है। तो ऐसे टेंस, माने जिस टेंस से हमको यह अभिप्राय या आशय जो मालूम होता है, हम ऐसे टेंस को ही बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है, पत्र लिखा नहीं जा रहा है और न तो पत्र लिखा जाएगा, यानी पत्र लिखने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि पत्र लिखने का काम 15 मिनट पहले हो गया हो, या आधा घंटा पहले हो गया हो, या 2 घंटा पहले हो गया हो, लेकिन पत्र लिखने का काम कंप्लीट है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है अभी वर्तमान में है, इसलिए है कि हम उसमें हाई लगा हुआ है, और हाई से हाई का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो पत्र लिखने का काम पूर्ण भी हो गया है और उसका प्रभाव अभी वर्तमान में है। तो ऐसे, मतलब इस आशय या इस अभिप्राय का जिस टेंस से हमें पता चलता है, तो ऐसे टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे देखिए, सी हैज कुक्ड फूड। अब देखिए, सी हैज कुक्ड फूड मतलब उसने खाना बना लिया है। खाना बनाया जाएगा नहीं, खाना बनाया नहीं जा रहा है, किंतु खाना बनाने का काम समाप्त हो गया है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इसका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर है, सर्वप्रथम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, इसमें V3 आएगा, यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का जो थर्ड पर्सन होता है, वर्ब यानी जैसे मान लीजिए कि ईट, तो ईट एट ईटन, माने इसका थर्ड फॉर्म ही आपको इस टेंस में आता है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद एक्स्ट्रा यदि कुछ हो, ठीक है। इसका इस टेंस का स्ट्रक्चर यही है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज होगा या हैव होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे सब्जेक्ट की जगह पर हम कोई जैसे हम लिख सकते हैं मोहन, लीजिए मोहन, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, इसलिए इसके साथ में हैज आएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे,
हैज का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए ही होता है, हैज हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए ही यूज होता है, हमेशा इसको माइंड में रखिएगा। तो मोहन हैज रिटेन अ लेटर, देखिए मोहन हैज रिटेन अ लेटर, मोहन ने एक पत्र लिख चुका है, ठीक है। अच्छा हैव देखिए, हैव जो होता है हमेशा प्लुरल नंबर, यदि कोई सब्जेक्ट प्लुरल नंबर का होगा उसी के साथ में हैव आएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। हैज का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ में आता है, और हैव का यूज हमेशा प्लुरल, यदि कोई सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके साथ में आता है। जैसे हम दे लेते हैं तो दे आपका प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हैव आएगा। दे हैव ईटन ए मैंगो, ध्यान दीजिए यहाँ पर ईट का थर्ड फॉर्म ईटन है, ईट एट ईटन, तो ईटन जो है भी थ्री हुआ। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग जो भी सॉल्यूशन करते हैं वो किसी न किसी फार्मूला पर डिपेंड करता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा समय के लिए कि इसका भी फार्मूला होता है, तो यदि फार्मूला को आप फॉलो करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में आप फार्मूला फॉलो करते हैं, आपका जो सॉल्यूशन जो है सही होता है, सवाल सही सही बन जाता है, ठीक है। और वहाँ यदि आप फार्मूला का यदि पालन नहीं करते हैं तो आपका सवाल सही ढंग से नहीं बन पाता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी फार्मूला होता है। तो यदि हर टेंस का एक फार्मूला है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला यही है कि यदि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव होगा। हैज कहाँ आता है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो तो हमेशा हैज आएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल नंबर का हो तो उसके साथ में हैव आएगा। लेकिन ये भी थ्री जो है हमेशा सबके साथ में आएगा, चाहे वो फर्स्ट, चाहे वो सिंगुलर नंबर का हो या चाहे प्लुरल नंबर का हो, लेकिन भी थ्री जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ में आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे वो सब्जेक्ट प्लुरल हो, लेकिन भी थ्री सबके साथ में जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो जो भी रहेगा वो तो सबके साथ में आएगा ही, और यदि उसके बाद में यदि कोई एक्स्ट्रा भी है तो भी जाएगा। और देखिए आई, देखिए आई को हमेशा, आई जो सब्जेक्ट है आई, ये हमेशा एक प्लुरल में माना जाता है, आई हमेशा होता है प्लुरल। तो चूंकि यदि आई प्लुरल है तो इसके साथ में कौन आएगा, हैव आएगा। मैं पहले बताया हूँ आप लोगों को हैज का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ में होता है, और हैव का यूज हमेशा प्लुरल नंबर के साथ में होता है। तो आई जो सब्जेक्ट है ये आपको प्लुरल नंबर है, तो प्लुरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में हैव आएगा। आई हैव कट दैट ट्री, ध्यान रखिए यहाँ पर आई हैव कट दस, कट आपको वर्ब है, लेकिन कट का तीनों फॉर्म है ना, कट का तीनों फॉर्म कटे होता है, शट का भी तीनों फॉर्म शट ही होता है, तो इसलिए एक भी थ्री आपका कट हुआ, तो और आई प्लुरल सब्जेक्ट है उसके साथ में हैव हुआ, तो आई हैव कट दैट ट्री, मैंने उस पेड़ को काट दिया है, ठीक है। अब देखिए इस टेंस का प्रयोग वहाँ भी होता है, इस टेंस का प्रयोग वहाँ भी होता है जहाँ पर देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर दू, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड
दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज started in the past time and its effect is going on in the present time. देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट. यह टेंस यह भी बताता है कि यदि कोई काम पास्ट में यानी पहले माने अभी के पहले, यह टेंस यह भी बताता है कि यदि कोई काम अभी के पहले कुछ हो सकता है, आधा घंटा पहले, दो घंटा पहले, दो दिन पहले, चार दिन पहले, पाँच दिन पहले, एक महीना पहले, दो साल पहले, कभी हो सकता है अभी के पहले, तो वो हुआ पास्ट. तो यह टेंस अभी बताता है कि यदि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, जो काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी प्रेजेंट टाइम में दिखाई पड़ रहा है या उसको महसूस किया जा रहा है. यह टेंस भी बताता है कि यदि कोई काम पास्ट में पहले एक घंटा पहले, दो घंटा, एक महीना पहले, दो साल पहले, यदि कोई काम शुरू हो गया है लेकिन उस काम का प्रभाव अभी भी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में उसको महसूस किया जा रहा है या उसका प्रभाव अभी क्या है, जारी है, चल रहा है, कंटिन्यू है, यह टेंस भी बताता है. तो मैंने इसको क्लियर कर लीजिए कि यह टेंस यह भी बताता है कि कोई भी काम पहले शुरू हो चुका यानी पास्ट टाइम में शुरू हो चुका या हो गया लेकिन उसका प्रभाव जो है अभी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है. ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा. जैसे देखिए एग्जांपल, सी हैज ब्रोकन हर लेग. खूब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या हमने लिखा. सी हैज ब्रोकन हर लेग. सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ में हैज आया. ये ब्रोकन, ये ब्रोक का तीसरा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है. ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ठीक है, ब्रेक वर्ब है और ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक हुआ और थर्ड फॉर्म ब्रोकन हुआ तो V3 आया. ठीक है, हमेशा इसमें V3 आएगा. तो देखिए सी हैज ब्रोकन हर लेग, उसने अपना पैर तोड़ लिया है. ठीक है, उसने अपना पैर तोड़ लिया है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है उसने अपना पैर तोड़ा. कब तोड़ा, पास्ट में तोड़ा. चाहे दो दिन पहले तोड़ा हो, चाहे छः महीना पहले तोड़ा हो, चाहे साल भर पहले तोड़ा हो या एक घंटा पहले तोड़ा हो, लेकिन उसने अपना पैर तोड़ लिया है. लेकिन उस पैर तो टूटने का काम पास्ट में हो गया लेकिन उसका पैर अभी भी टूटा हुआ है यानी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भी उसका पैर टूटा हुआ है. उसे चलने में असुविधा अभी भी हो रही है. वह पूर्ण रूप से अभी भी ठीक नहीं हुआ है, उसका अभी भी पैर टूटा ही हुआ है.
ठीक है, कम्प्लीटली वो क्योर नहीं हुई है। तो इससे मालूम क्या, इससे साबित क्या होता है, इससे साबित होता है कि पैर का टूटना उसका पास्ट में हो गया, लेकिन उसका पैर अभी भी ठीक नहीं है, अभी वो लंगड़ा कर चल रही है। तो इसका मतलब तब पैर टूटने का काम तो पास्ट में से हुआ, लेकिन उसका प्रभाव जो है अभी जारी है, कंटिन्यू है। यह माने यह अभिप्राय या टेंस इस टेंस से भी मालूम होता है। और एग्जांपल देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हैज वॉश्ड क्लीन्ड हीज रूम। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ही हैज क्लीन्ड हीज रूम, ठीक है, उसने अपना कमरा क्लीन्ड साफ कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब है ही हैज क्लीन्ड हीज रूम, इससे मालूम क्या होता है, उसने अपना कमरा साफ कर लिया है, यानी कमरा साफ करने का काम पास्ट में हुआ, लेकिन उसका जो कमरा है अभी भी साफ है, अभी भी साफ सुथरा है, अभी उसको सफाई करने की या साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका प्रभाव अभी है, मालूम हो रहा है ना। उसने कमरा साफ करने का काम जो है पास्ट में किया, लेकिन उसका कमरा अभी भी साफ है, अभी उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे I have lived in this house since 1960। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस और, ठीक है, इस टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यह भी मालूम होता है। देखिए यहाँ पर, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस, इस टेंस में सिंस और फॉर का भी यूज होता है। तो देखिए, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस का मतलब हिंदी में होता है से, तो आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1960। रहने का काम 1960 में शुरू हुआ, ठीक है, रहने का काम माने घर में रहने का काम कब शुरू हुआ, 1960 में, लेकिन काम शुरू हो गया, घर में रहने का काम 1960 में शुरू हुआ, लेकिन वह उस घर में अभी भी रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेंस से यह भी मालूम होता है कि यदि कोई काम पास्ट में शुरू हो गया, लेकिन वो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जारी है, कंटिन्यू है, माने यह टेंस यह भी बताता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे ही हैज बीन absent for 4 days। ध्यान दीजिए ठीक से, क्या लिखा हमने, ही हैज बीन absent फॉर 4 days। absent यानी गैरहाजिर, ही हैज बीन, ध्यान दीजिएगा, ये जो बीन है, बहुत से बच्चों को भ्रम हो जाता है कि बीन कहाँ से आ गया, बीन भी थॉट फॉर्म है, बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि बीन कहाँ से आ गया भाई, तो बीन भी जो है बी का थॉट फॉर्म है, बी वाज बीन, ठीक है, जबकि इसमें भी थ्री ही आता है, तो ये आपका
बीन बीन भी जो है बी थ्री है। बी थ्री किसका है? बी, ये बी का बी बी का थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन। ठीक है, मैं पहले बता दिया हूँ कि इस टेंस में बी थ्री का ही प्रयोग होता है, तो ये बीन भी जो है आपका बी थ्री है। ठीक है, ये बी का है, बी का थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन। तो ठीक है, ही हैज जो स्ट्रक्चर था उस पर सेट कर रहा है, ही हैज बीन एब्सेंट, वह एब्सेंट यानी वह गैरहाजिर है कितना दिन से, फॉर फोर डेज, चार दिनों से। देखिए इससे क्या मालूम हो रहा है कि वह गैरहाजिर है चार दिनों से, इसका मतलब है गैरहाजिर होने का काम, एब्सेंट होने का काम पासपोर्ट शुरू हो गया था, लेकिन वह अभी भी गैरहाजिर है, वह अभी भी स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस टेंस से यह भी मालूम होता है कि कोई काम पास्ट में कुछ दिन पहले शुरू हो गया और वह अभी भी जारी है। ठीक है, देखिए ही हैज बीन एब्सेंट फॉर फोर डेज, वह चार दिनों से गैरहाजिर है, इसका मतलब क्या हुआ, गैरहाजिर होने का काम पास्ट में शुरू हो गया लेकिन वह अभी भी गैरहाजिर है। तो इस टेंस से यह भी मालूम होता है कि जो काम पहले शुरू हो गया और वह अभी भी कंटिन्यू है, तो इस टेंस से यह भी मालूम होता है। ठीक है, आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम और दो मिनट और मान लूँगा आप लोगों को। इस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक तो और एग्जांपल लीजिए, सी हैज बीन बिजी फॉर सिंस मंडे लास्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होता है, सी हैज़ बीन बिजी, बिजी मैंने क्या होता है, व्यस्त। सी हैज़ बीन बिजी सिंस, सिंस का मतलब होता है से, सी हैज़ बीन बिजी सिंस मतलब वह मंडे लास्ट, यानी वह गत सोमवार से, मंडे लास्ट का मतलब हुआ गत सोमवार, गत सोमवार यानी पहले वाले सोमवार से, आने वाला सोमवार से नहीं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह गत सोमवार से क्या है, व्यस्त है। तो गत सोमवार से उसका जो माने व्यस्त रहने का काम जो है शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन वो अभी भी व्यस्त है, क्लियर हो रहा है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि इस टेंस से यह भी पता चलता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हो गया और वो अभी भी कंटिन्यू है, इस टेंस से यह भी पता चलता है। ठीक है, और इस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल यूज होता है। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट का चैप्टर मैं आज यहीं क्लोज करता हूँ। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।